देश के साथ साथ हरियाणा में भी चुनावी चौसर का शोर जोर शोर से सुनाई देने लगा है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों की रूपरेखा तय करने में लगी हुई है। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। और उसके लिए एक हमने ये वेबसाइट लॉन्च की है, जो ऑनलाइन भी और जो चाहे ऑफलाइन भी अपना इसमें फॉर्म भरके अप्लाई कर सकता है। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से साल 2024 के चुनावों में पार्टी की जीत का बड़ा दावा किया। पार्टी में कोई भी नेता पार्टी के लिए काम करे, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है। कुमारी सैलजा के विधानसभा चुनाव लड़ने की चाहत पर उदय भान ने कहा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान ही तय करेगा। अगर वो विधानसभा की कह रही हैं, वो सीट हमारे बड़ी नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में महासचिव हैं, सेंटर में 15-15 साल तक वो मंत्री रही हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री रही हैं, तो वो चाहे तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ सकती है, असेंबली का लड़ना चाहे तो असेंबली का लड़ना, वो तो पहले जो उनकी इच्छा होगी और उसके मुताबिक जो फैसला लेना वो हाईकमान ने लेना। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस साल 2024 के चुनावों में जीत का दम भर रही हो, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं में गुटबाजी की खबरें किसी से छुपी नहीं है। हालांकि समय रहते कांग्रेस आलाकमान ने नेताओं की गुटबाजी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया तो साल 2024 की डगर मुश्किल होती दिख रही है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।